हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये जूते। देखिए, ये मैंने जूते बना रखे हैं। ये जूते बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब हम इसको पहनकर दिखाएंगे आपको, आप खुद कहेंगे वाह क्या जूते बनाए हैं। तो ये जो जूते हैं वो आप, ये जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप इनमें आराम से पहन सकते हैं। ये मैंने पुरानी जो स्वेटर्स रहती हैं उनसे बनाए हैं और बहुत ही ईजीली बनाए हैं मैंने। ये ईजी वे में बनाए हैं। इनको आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैंने एक पीस लिया है। ये पीस आप अपने पाँव को इसके ऊपर रखकर इस तरह से डबल लेयर कर ले। जैसे एक मैंने इसको पैर को ऊपर रखा है इसके, इसको पैर को इस तरह से रख लेंगे लंबाई में, और लंबाई में पैर को रखकर इस तरह से डबल कर लेंगे। तो मैंने ये मेरा मेजरमेंट ले रखा है पहले से। ये देखिए, ये मैंने डबल लेयर कर ली है इसकी। इस तरह से डबल करने के बाद मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने ये कितना रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हमारा 25, जो 25 सेंटीमीटर है वो मैंने ये पूरा लिया है। और यहाँ पर चौड़ाई मैंने ली है इसकी 15 सेंटीमीटर के करीब। ये देखिए आप, ये 15 सेंटीमीटर के करीब हमने लिया है इसको। तो ये 15 सेंटीमीटर हमारा ये चौड़ाई हो गई है, और 25 सेंटीमीटर जो था वो हमारा ये लंबाई ली है हमने पैर की। और अब हम इसको जब सिलाई करेंगे तो सिलाई हमें इसको उल्टा करके करनी है। इस तरह से हमें उल्टा करना है इसको सिलाई को करने के लिए। और ये मैंने बॉर्डर लिया है, ये बॉर्डर मैंने जानबूझ के लिए स्वेटर का, ताकि ये इस तरह से हमारा ऊपर की तरफ आए। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने ये बॉर्डर पूरा चारों तरफ लिया है, तो ऐसे ही हमें इसमें भी लेना है। तो मैंने एक ही जूता इस तरह से तैयार कर लिया है, सॉक्स। और ये हम पुराने जो हमारे जो कार्डिगन वगैरह रहते हैं उनसे बना है, स्वेटर से, कार्डिगन से, किसी से भी आप बना सकते हैं। जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो उससे बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से इसको रखना है, और ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा बनेगा जो हमने बॉर्डर लगाया है, और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए आपको मैं जैसे ये बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से इसकी सिलाई लगाई है। नीचे से मुझे यहाँ सिलाई लगानी है इसकी। पहले भी मैं ये तैयार कर चुकी हूँ, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई थी। तो ये एक्स्ट्रा जो बचा होता है, जैसे हमारा ये एक्स्ट्रा बचेगा वो हमें नीचे ही इस तरह से रखना है, ऊपर नहीं लेके जाना है, इसको काटना भी नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सीजर वगैरह भी चाहिए काटने के लिए, और इसी कलर का मैंने धागा लिया है जो हमने ये वूल ले रखी है, जो स्वेटर का जो हमने कपड़ा लिया है वो सेम हमें लेना है। और एक हमें नीडल चाहिए, ये इस तरह की बारीक। तो हमें ये सिलाई इस तरह से लगानी है इसकी। तो मैं इसका ये नाप ले लेती हूँ पूरा। ये नाप मैंने लिया है यहाँ पर, ये बॉर्डर से लेकर हम इसको यहाँ पर 4.5 यानी कि 11 सेंटीमीटर के करीब, हम ये 11 सेंटीमीटर है इसके करीब हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ से हम 11.5 जो 11 सेंटीमीटर है वहां तक लगाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, आपको ऊपर तक बनाना है। जैसे ये जो स्वेटर हम घर पे बनाते हैं वो तो काफी बढ़ती भी है, तो उसका तो थोड़ा सा छोटा भी बन सकता है। और ये इस तरह का कपड़ा जो होता है कार्डिगन का, वो बढ़ता नहीं है, तो आपको पूरा पूरा लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ये 11 लिया है, और यहाँ पे मैंने 25 के करीब ली थी इसकी लंबाई, और यहाँ पे मैंने इसका जो मेजरमेंट आपको बताया था पूरा, ये हमारा 25 है सेंटीमीटर, और यहाँ मेरा 15 है। ये आप देख पा रहे होंगे 15, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो अब मैं इसकी जो सिलाई लगाऊंगी वो यहाँ पर 11 सेंटीमीटर के आसपास लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से इसको ऊपर से यहाँ पे 11 सेंटीमीटर के करीब इस तरह से ले लेती हूँ, और यहाँ मुझे सिलाई लगानी है। ये यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी, आप देखेंगे यहाँ पर इतनी सिलाई हमें इस तरह से लगानी है। ये इस तरह से ये सिलाई लग जाएगी ऐसे। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ हमें किस तरह से करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। ये देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे पूरी अच्छी तरह से ये सिलाई लगा दी है मैंने। ये मैंने जो आपको बताया था उतनी मैंने सिलाई लगाई है, और यहाँ से ये आगे तक हमने इसको ले लिया है।
तो इस तरह से पूरी सिलाई लगाने के बाद हमें आगे का जो हिस्सा है वो हमें थोड़ा सा पहनकर फिर लगाना है, ताकि हम देख पाए कि हमारा जो पूरा पैर है आराम से इसके अंदर जाए। और उसके बाद इसको आगे से भी कवर करना है। तो हम इसको पहन के देखते हैं कि हमारा ये जो है वो किस तरह से हम इसको करना है। तो देखिए, ये देखिए, ये हम इस तरह से इसको पहन लेंगे। ये पीछे से जो एडी है उसे इस तरह से कवर करना है पूरा। और पूरा कवर करने के बाद ये अच्छी तरह से हमारा फिक्स आ जाना चाहिए। ये फिक्स आ गया है। अब हम इसको इस तरह से पैक करेंगे पूरा खींचकर, और ये यहाँ पर हमारा डिजाइन बनेगा। ये इस तरह से नीचे, फिर ये ऊपर की तरफ। तो ये हमें खींच के लगाना है। खींच कर नहीं लगाएंगे तो ये हमारा पैक नहीं होगा। और यहाँ पे हमने जो आगे की तरफ है वो भी अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। तो हमारा ये पूरा जूता तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा हल्का सा, ताकि ये आगे की तरफ नहीं आए। तो उसमें भी मैंने इसी तरह से काटा था थोड़ा सा। ये देखिए, ये हम इस तरह से पहनकर और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और यहाँ पूरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी इसी तरह से सिलाई लगानी है पहने हुए में ही। तो मैंने ये पहन लिया है और मैं इसको थोड़ा सा खींच कर ये सिलाई लगा रही हूँ। और जो ये अंदर की तरफ है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये अंदर की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे ये भी मैंने बाद में लगाई है, यहाँ ये वाली जो सिलाई है वो अंदर की, ये बाद में मैंने लगाई है। तो आप भी इस तरह से लगाएंगे। पहले हमें इस तरह से करना है और ये हम इस तरह से यहाँ पे ये मैंने धागा पिरो लिया है। और अब मैं ये गांठ लगा ली हमने लास्ट में, और हम इसको पिरोएंगे। ये इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, कोई भी अलग से अपना डिजाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मैचिंग का मैंने एक खींच खींच के इसको इस तरह से लगाना है। ये देखिए, ये काफी अच्छा लगेगा। इस तरह से आप खींच खींच के इसको बढ़िया तरह से लगा लेंगे। तो ये आपके पैर के अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या छोटा बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप पहनकर इसको जब रखेंगे तो एक तो गर्म रहेगा ये, और साथ में जो ये वेस्टेज जो चीज है वो भी आपकी यूज हो जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको लगाते जाएंगे। एक बार आप कच्चा कर लीजिए इसे, बाद में आप इसको थोड़ा सा और पक्का कर लीजिएगा। इस तरह से पूरा लगा लेंगे हम यहाँ तक। मैं आपको बता रही हूँ ये यहाँ तक लगाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सिलाई लगा ली है इसको। ये पूरा ये जो जूता मैंने बनाया था यहाँ पे वूलन का, वो मैंने यहाँ तक कंप्लीट सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें लास्ट एक गांठ लगाने जा रही हूँ। ये गांठ मैं यहाँ का लगा दूंगी ताकि ये कंप्लीट हो जाए और पक्का भी हो जाए। और मैंने इसको जानबूझ के आगे से इसलिए कस के पकड़ा हुआ है ताकि ये जो है ये स्पेस इतना रहे और मैं इसको अंदर से इतनी सिलाई लगा दूं। अब ये अंदर से हमें इतनी सिलाई लगानी है। तो आप इसको सुई को अंदर की तरफ लेकर और इस सूज को ऐसे खोलकर इसको खोल लेंगे। और ये जो हमने ये सिलाई ली है अंदर से सुई, तो ये इस तरह से हम खोल लेंगे और इसको जस्ट उल्टा कर इस तरह से उल्टा करना हमें। और जहां से हमने सुई ली थी, जैसे ये हमने उल्टा कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे इसको, ये हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। ये यहाँ पे भी हमने सिलाई लगाई थी, एक हमने यहाँ पे ये जो ऊपर सिलाई लगाई थी वो यहाँ पे आई है। और ये हमारा ये जूता इस तरह से हमने पहन रखा था, तो ये सिलाई यहाँ पे आ चुकी है। और हमने जो सुई निकाली थी यहाँ पर नीचे की तरफ, ताकि हमारा ये निशान आ जाए कि हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है। तो आप देखिए, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया, ये ऊपर का हिस्सा, और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया, ये नीचे का हिस्सा आएगा। इनको काटना नहीं है बिल्कुल भी, ये चीजें काटनी नहीं है, क्योंकि ये बेस बनेगा जब हम इसको पहनेंगे तब। मोटाई रहती है जब हम इसको पहनते हैं, और काट देंगे तो वो पतला ही रह जाएगा। अब देखिए, ये हम जो मैंने ये सुई निकाली थी, इसको मैं यहां से यहां तक ये पूरी सिलाई लगा दूंगी। तो ये मैं इस तरह से सिलाई लगा देती हूँ इसमें। इस तरह से हमें पूरी सिलाई लगानी है। यहां से हमारा सूज तैयार हो चुका है और ये हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे इसको। ये नाप उतना ही लेना है जितना आप पैर में से निकाल के जब लेते हैं, या तो आप इसको नाप लें, जैसे मैं आपको नाप का बता देती हूँ ये कितना है।
ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक हम सिलाई लगा रहे हैं, तो ये लगभग आप 22 के करीब सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हम इस तरह से तैयार करेंगे, उसी तरह से हम इसको रखना है जैसे हम पहनते हैं इसे, और यहाँ पे ये इस तरह से खड़ी करके इसको सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इसको सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से हाथों से फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। पर इसमें आपको डबल टांके लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने भी डबल लगाए हैं इसमें टांके। ये देखिए, ये डबल लेयर लगाई है मैंने यहाँ पर भी, और इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने ये डबल लेयर की है। और अभी मैं इसको दो बार टांका लगाऊंगी, तो ये सिलाई दो बार करेंगे तो ये आपके जो सिलाई है वो चलेगी और निकलेगी नहीं। अब इसको दोबारा यहाँ से ले लेते हैं, हम इस तरह से दोबारा यही सिलाई को वापस लेंगे। ये थोड़ी सी सुई मोटी है तो टूटेगी नहीं है। तो हमारा ये घर पे एक काफी अच्छा सूज तैयार हो गया है। बाजार से लेने जाते हैं तो काफी महंगे मिलते हैं, और एक हमारी पसंद के भी नहीं होते हैं, हमारी नाप के भी नहीं मिलते हैं। ये हमने एक अपने पाँव के हिसाब से हमने एक अपना अलग से सूज बना लिया है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और पाँव के साइज का भी बन गया है। तो ये हमने इसको लगा लिया है, अब हम इसको काट देते हैं यहाँ से। जितनी सिलाई आप पक्की लगाएंगे उतने ही आपके ये जूते अच्छे चलेंगे। बोला देखिए, ये हमने यहाँ पे पूरा इस तरह से रख दिया इसको, और अब हम इसको सीधा करेंगे। मैंने आपको बताया ये वाली जो सिलाई थी हमने जो अंदर से मोड़ा था उसको भी मैंने यहाँ से लगाया है, तो आप इसको भी लगा लें। तो पहले हम इसको लगा ही लेते हैं ताकि ये हमारा सूज पूरा तैयार ही हो जाएगा। ये गांठ लगाएंगे यहाँ पर, और गांठ लगाने के बाद यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे ये वापस, जैसे हमने ऊपर से लगाया था, ऊपर हमने पहन के लगाया था। अब नीचे जो ये इस तरह का त्रिभुजाकार ये दिखाई दे रहा है, इसको भी हम इसी तरह से लेयर को पैक कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गर्म भी रहेगा अंदर से, और डबल लेयर भी हो गई हमारी ये। इसको डायरेक्ट मैं ऊपर से नीचे इस तरह से लगाती जा रही हूँ, जैसे हम पाइपिंग करते हैं ऐसे लिया, और दूसरे वाला जो कपड़ा है वो ले लिया हमने, ये देखिए ये इस तरह से, और फिर दूसरे वाला कपड़ा हमने इसमें ऐड किया है। तो ये सिलाई हमारी जो पाइपिंग होती है, आप कहेंगे तो मैं आपको पाइपिंग लगाना भी बता दूंगी किस तरह से आप पाइपिंग, जो ये तुरपाई रहती है वो कैसे करते हैं। जो ये तुरपाई का जो टाका है वो हम इस तरह से लगा लेंगे, पाइपिंग में भी इसी तरह से हम लगाते हैं। जो सूट वगैरह में आप पाइपिंग का जो टाका लगाते हैं वो भी हम ऐसे ही लगाते हैं नीचे से, ताकि पाइपिंग निकले नहीं। तो ये इस तरह से हम तुरपन जो लगाते हैं वैसे टाका लगाना है पूरा। ये सिलाई ऐसे ही करनी है सारी की सारी। कहाँ तक करनी है? यहाँ तक। ये लास्ट जो हमने पहना था ऊपर, वहां तक हमें इसे करनी है, और ये हमारा ये जो बॉर्डर है वो हमें अलग से रखना है। तो ये हमारा जो बॉर्डर वाला जूता है वो तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ये लास्ट है हमारा, ये बस इस तरह से इसको कंप्लीट करते जाना है। और इसकी एक खास बात ये है कि गर्म बहुत रहते हैं ये, जो हम नीटिंग वाले जो सूज पहनते हैं, जो स्वेटर के बने हुए सूज पहनते हैं ना, बहुत ही गर्म रहते हैं, और घर में हम कितने भी आराम से बना सकते हैं। अलग अलग तरह के आप बनाइए और पहनिए इनको, और आराम से इसको वॉश भी कर सकते हैं। जब लास्ट हम इसका गांठ लगा देंगे, ये देखिए ये हमने इस तरह से गांठ लगा दी है इसको, ये लूप बन जाता है ऐसे किए, और ये यहाँ से सुई बीच में से बाहर निकाल देते हैं और इसका कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा सूज तैयार हो गया है, ये देखिए। तो हमने सिलाई जो है एक यहाँ पे लगाई थी, एक ये इस तरह से लगाई है, एक सबसे नीचे लगाई थी। नीचे वाली जो सिलाई है वो आप नाप लेकर लगाएंगे कि आपका सूज जो है, आपका जो पैर है उसकी बनावट के हिसाब से लगाएंगे कि आपको कितनी लंबाई लेनी है, ये पूरी लंबाई और ये चौड़ाई कितनी लेनी है, वो
और तैयारी मैंने आपको बता दी है, अब हम इसको सीधा करके आपको बता रही हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारे ये जूते तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा डिजाइन आया इसका। और ये आप चाहें तो इसके अंदर एक जो ये गत्ता होता है हमारा कार्डबोर्ड होता है उसकी कटिंग गोल करके यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं। ये देखिए तो हमारे जूते बन चुके हैं। ये देखिए ये हमारे ये जूते बन चुके हैं। आप भी घर पर इनको बनाइएगा और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।